हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलमांडा फ्लावर के बारे में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं अपने ये मेरा अलमांडा का प्लांट है, इसको भी मैं रिपोर्ट करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने अलमांडा प्लांट्स के लिए एक अच्छी और वेल्डेड मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। अलमांडा का प्लांट आपका एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, या फिर आप इसको पैनियल प्लांट भी बोल सकते हैं। और बट जो इसका मेन फ्लावरिंग सीजन होता है वो आपका गर्मियों में या फिर मानसून के बाद स्टार्ट होता है। उस टाइम पर इसमें काफ़ी फ्लावर्स आते हैं और सर्दी आने से पहले इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग करता है ये। और ये फ्लावर आपका देखने भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। ये आप ये देख सकते हैं, इसका फ्लावर काफ़ी बड़ा उसका फ्लावर होता है। अलमांडा में आपको तीन तरह की वैरायटीज़ मिल जाती हैं। एक इसमें आती है बुश वाली वैरायटी, जो कि एक झाड़ीनुमा होती है और उसमें जो फ्लावरिंग है बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। और एक इसमें आती है ये सेमी वाइन, ये जो मेरे पास वैरायटीज़ हैं ये सभी सेमी वाइन है। और एक इसमें आती है बेलनुमा वैरायटी, जो कि एक क्रीपर की तरह इसमें फैलती है और उसमें फ्लावरिंग होती है। तो चॉइस आपकी है, आप किस तरह की वैरायटी अपने घर में ग्रो करना चाहते हैं। अगर आपके घर में ज़्यादा जगह है तो आप इसकी क्रीपर या फिर सेमी वाइन वैरायटी को लगा सकते हैं, और अगर आप इसको पॉट में लगाना चाहते हैं तो आप इसकी बुश वाली वैरायटी को लगा सकते हैं। और मॉनसून में ये जो प्लांट है इजीली नर्सरी से मिल जाता है। और इसमें कलर भी ये देख सकते हैं आप, ये देखिए एक कलर है रेडिश और वाइट में, और एक मेरे पास ये कलर है, ये देखिए थोड़ा वाइट और क्रीमी कलर है, और एक इसमें आता है ये येलो कलर, ये देखिए। ये मेरे पास इसके तीन कलर हैं और तीनों ही कलर काफ़ी सुंदर हैं। और अलमांडा की एक ख़ास बात यह है कि ये आपका टिप पर फ्लावरिंग करता है। ये देखिए आप, इसकी जो टिप है यहाँ से इसके बर्ड्स निकले हैं और इसमें काफ़ी क्वांटिटी में बर्ड्स निकलते हैं। ये देखिए कुछ बर्ड्स इस पर हैं और ये जो मेरा प्लांट है इस पर भी हैं। और ये देखिए आप, इस पर कितने ज़्यादा बर्ड्स हैं, पूरे जो प्लांट है फूलों से भरा रहता है। और इसके फ्लावर्स की एक ख़ास बात यह है कि इसके फ्लावर्स एक दिन के लिए नहीं खिलते, इसके फ्लावर्स जब खिलते हैं तो 4-5 दिन आपके प्लांट पर रहते हैं और देखने में आपका प्लांट भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब हम इसके सॉइल मिक्सचर के बारे में बात कर लेते हैं। अलमांडा को एक वेल्डेन और थोड़ी सैंडी सॉइल पसंद होती है, तो मैंने इसमें 40% गार्डन सॉइल ली है और इसमें मैंने 30% सैंड मिला है और 20% मैंने इसमें ये वर्मी कंपोस्ट मिला है। कंपोस्ट में अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास गोबर की खाद या फिर आपके पास किचन वेस्ट है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और 10% मैंने इसमें मिलाया है राइस कस्क। इससे क्या होगा कि मेरी जो मिट्टी एकदम वेल्डेड मिट्टी होगी और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, क्योंकि अलमांडा में एक प्रॉब्लम रहती है, अगर इसमें पानी रुकता है तो उसकी जो लीव्स हैं वो येल्लो होना स्टार्ट हो जाती हैं और येल्लो होकर गिर जाती हैं। देखिए हमारी मिट्टी, अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैं जो इस प्लांट को लगाऊंगा मैं सीमेंट के गमले पर लगाऊंगा। और ये मेरे पास एक 10 इंच का पॉट है, तो मैं इसी में इस ये मेरा प्लांट है इसको मैं रिपोर्ट करूंगा। फ्रेंड, सबसे पहले आप क्या करना है, आपको पॉट लेना है और फिर आपको एक अपने कोई भी पुराने गमले का ये टीकरी होती है इसको लेना है। और इसको आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप इसको अपने पॉट में लगाएं तो आपको ऐसे गहराई में लगाएं, ना कि आपको इसको फ्लैट में लगाना है। और ये आप इसको ऐसे लगा दीजिए और बस आप इसको इसमें मिट्टी फिल कीजिए। और इसमें हम थोड़ी सी नीम खली भी ऐड करेंगे, नीम खली आपके किसी भी प्लांट में फंगल लगने से बचाती है और इसमें बहुत काफ़ी तरह के माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके प्लांट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और ये जो सॉइल मिक्सर है, मैं अपने सभी अलमांडा के प्लांट में यही सॉइल मिक्सर यूज़ करता हूँ। और आपने फ्लावरिंग तो देखी है, उसमें कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। बस आपको ये इतना गमला, आपको आधा गमला भर लेना है और फिर आपको ये, और ये जो अलमांडा के प्लांट होते हैं आपको नर्सरी पर इजीली 50-60 रुपीज़ में आराम से मिल जाते हैं, कोई इसमें ज़्यादा कॉस्टली ये प्लांट आते भी नहीं है। फ्रेंड्स, ये जो मेरा प्लांट है ये मेरा चिकनी मिट्टी में नहीं लगा, तो मैं इसको एज इट इज़ इसकी थोड़ी सी ऊपर की मिट्टी हटाकर इसको एज इट इज़ लगा दूंगा। और क्योंकि अगर ये क्ले मिट्टी में होता, चिकनी मिट्टी में होता, तो हम इसकी थोड़ी मिट्टी को रिमूव कर देते, बट ये देखिए भी इसकी जो सॉयल मिक्सचर है वो सेम है जो मैं बनाता हूँ, इसलिए मैं इसको एज इट इज़ ही लगा दूंगा, सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी हटाऊँगा इसकी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा प्लांट लगकर एकदम रेडी है और इसमें मैंने थोड़ी सी स्पेस दी है, तो इसको मैंने पूरा फिल नहीं किया ताकि इसमें अब मैं वाटरिंग करूँगा तो वाटरिंग से जो इसकी मिट्टी है वो पूरी एडजस्ट हो जाएगी। और आपको जो स्टार्टिंग में वाटरिंग करनी है आपको फुल वाटरिंग करनी है इसमें, ताकि जो आपका वाटर है नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। और फिर बस अब आपको इसको 2-3 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में रखना है और फिर आप इसको पूरी फुल सनलाइट में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा प्लांट लगकर एकदम बिल्कुल रेडी है और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें वाटरिंग की थी और इसमें नीचे से वाटरिंग जो है निकलना भी स्टार्ट हो गया है। तो यही एक अच्छी और वेल्ड्रेन मिट्टी की पहचान होती है कि जैसे ही आपने इसमें पानी दिया उसके कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही मिनट बाद इसमें से पानी ड्रेन आउट हो जाता है एक्स्ट्रा। तो फ्रेंड्स, यही थी फिर आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।